Thank you very much, the Prime team. After seeing the various reports that have been coming in, मेरा तो ख्याल है कि हमें अली से कहना चाहिए वो जैसे अमेरिका में एक वो मिरेंडा वार्निंग दी जाती है एनी थिंग दैट से कैन एंड विल बी यूज अगेंस्ट द कोर्ट ऑफ लॉ तो हम ये कह दें कि एनी थिंग दैट द पॉलिटिशियंस से इन एन इलेक्शन कैंपेन और इन द मैनिफेस्टो शुड नॉट बी हेल्ड अस अगेंस्ट अस एवर अगेन ये जो मैनिफेस्टोज आर मेड बिकॉज आई थिंक दैट समथिंग दैट्स एन एकेडमिक एक्सरसाइज दैट done that's done world over so we also go through the motions there but to be very honest our electorate doesn't care about it matlab aap jaise padhe likhe log to shayad in cheezon ko dekhte hain aur gaur karte hain but mera ek nihayat maazrat ke sath badtameezana sawal hoga how many of you really go out and vote and participate वोट तो वो कर रहे होते हैं जिनको हमारे जैसे पॉलिटिशियन मतलब है सुहाने ख्वाब दिखाते हैं एंड एंड वी मेक ऑल दीज कमिटमेंट्स इसी किस्म की बट द बिग पिक्चर किसी को वहाँ पे नहीं होती व्हाट द वोटर इज़ इंटरेस्टेड इन इज़ कि मेरी सड़क कौन बनवाएगा मेरी गली कौन पक्की करवा देगा और मेरे बेटे को नौकरी कौन दिलवाएगा और अगर मेरा बेटा कल थाने में पकड़ा हुआ है तो मुझे थाने में से कौन छुड़वा के देगा और हमारी पसंद की पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र हमारे लोगों की कहाँ होंगी आई एम सॉरी दीज आर द हार्श ग्राउंड रियलिटीज़ द ग्राउंड रियलिटीज़ आर दैट टू गेट वोट्स वी डू थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड वी विल मेक the falani gully and we will make the falana road and we'll maybe provide electricity to some village and then get votes in return for that we will probably not look at these big pictures the numbers and these very academic things that the report presents here because getting votes is in our society हर जगह का मुख्तलिफ होगा शायद अब तो मैं अमेरिका की जब मैं इलेक्शन कैंपेन का कवरेज देखता हूँ तो ट्रंप साहब की बातें सुन के मुझे लगता है कि शायद वहाँ पे भी कोई इतना ज़्यादा सोच समझ के लोग वोट नहीं दे रहे आजकल के फ्रॉम व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर देयर बट शायद नॉर्वे में या ऑस्ट्रेलिया में या न्यूज़ीलैंड में जिनकी हमें खबर ही नहीं होती वहाँ के लोग तो शायद इन चीज़ों को देख के वोटिंग उनके प्रायोरिटी में हो और वो शायद अपने पॉलिटिशियंस को अकाउंटेबल होल्ड करते हों कि भाई तुमने कहा था कि मैं बजट डेफिसिट को यहाँ लेके आऊँगा तो यहाँ तक नहीं हुआ तुम इसका जवाब दो हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि तुमने कहा था फलानी सड़क बनवाऊँगा वो सड़क नहीं बनी या हमारे अस्पताल के अंदर जो एक वो बेहतरी लानी थी वो नहीं आई सो ये सारी बातें उन बुनियादी चीज़ों के अ कॉमन मैनस बेसिक नीड्स हैव टू बी मेट बिफोर ऑल दीज लॉफ्टी आइडियल्स हैव टू बी परसूड दीज आर द रियलिटीज़ दैट वी हैव इन आर पॉलिटिकल सिस्टम है आई एम फ्रॉम अ वेरी बैकवर्ड रूरल एरिया आई एम स्मैक इन द मिडल ऑफ द कंट्री आई एम फ्रॉम एन एरिया विच बॉर्डर्स ऑल द प्रोविंसेस चारों सूबों के संगम के इलाके का मैं रहने वाला हूँ आई हैव बीन एन एम पी ए विच इज़ अ कपल ऑफ टाइम्स विच इज़ जो कि हमारे पोलिटिकल सिस्टम के अंदर सबसे छोटी वाली जो हाउस है वो प्रोविंशियल असम्बलीज हैं उसके बाद नेशनल असम्बली और सैनेट आती हैं तो आम लोगों के साथ जब आपका इंटरेक्शन होता है जब आप बाहर डेरे पर बैठते हो और सारा दिन आपके पास लोग आते हैं उनको अगर इस किस्म की बातें की जाएँ तो ऑनेस्ट टू गॉड उन लोगों को समझ भी नहीं आती अगर किसी को कहो ना कि यार सारी तुम्हारी नालियाँ बनाने में अगर पैसे लग जाते या मैं अपने बुज़ुर्गों के किसी की मिसाल दूँ कि यार वो 1960s में जो मेरे अंकल या दादा या बाप या चाहे जो बुज़ुर्ग जो एमपी यार वो लोग जब ये नालियाँ नहीं बनवाते थे तो त्रिवेला डैम बनता था तो वो उनको समझ नहीं आती ये बात कि यार त्रिवेला डैम बनने से मुझे क्या मुझे तो अपनी नाली बनने से फ़ायदा है ना सो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत अच्छी लगती हैं और बड़ी अच्छी डिस्कशन होती है जिस वक्त हम इस माहौल में बैठते हैं लेकिन जिस वक्त हम वोट लेने के लिए जाते हैं जिस वक्त हम लोगों को कहते हैं कि मुझे वोट दो तो उस वक़्त उनको ट्रेड डेफिसिट से कोई साहूकार नहीं उनको इन्फ्लेशन
क्योंकि आजकल फॉर वट एवर रीज़न इन्फ्लेशन का हमारा जो मामला बेहतर हो गए, उनको ये चीज़ समझ नहीं आती महंगाई या बस अल्लाह हमेशा ही जी महंगाई होती है। मैं आपको कॉमन मैन की बात बता रहा हूँ। अच्छा, अगर अब पेट्रोलियम की प्राइसेस कम हो गई हैं उसका भी उसको कोई शुक्र गुजार नहीं है, और अगर बढ़ रही हैं तो उसकी वो कंप्लेंट है। क्रॉप फेलियर हो गया तो उसको ये नहीं समझ आएगी कि मेरी भुट्टी की फसल क्यों नहीं हुई, वो यार अल्लाह की तरफों आ गया। फ्लड आ गया यार अल्लाह की तरफों, मतलब दैट इज़ हाउ थिंग्स आर परसीव्ड। वो इन चीज़ों को बिल्कुल गौर करने को तैयार ही नहीं है, और एक पॉलिटिशियन जिसने वोट लेना है वो भी इन चीज़ों को उस प्रायोरिटी के ऊपर नहीं रखेगा। ये रिपोर्ट ये कह रही है ना कि ये कमिटमेंट्स थी जो कि की गई थी मैनिफेस्टो के अंदर और ये पूरी नहीं हुई। मेरे ख्याल में तो शायद आइडियली तो कहीं पे भी ये चीज़ें जो भी किसी के भी मैनिफेस्टो में कही जाती हैं वो पूरी नहीं होती, लेकिन हमारे जैसे मुल्कों में बदकिस्मती से एक एक जो हमारा इशू है वो ये है कि जो मैनिफेस्टोज़ की जिनकी बात करते हैं, मैं अली से कहूँगा नेक्स्ट टाइम एक और छोटी सी एक्सरसाइज भी करके देख लें। इन्हीं क्वेश्चनेयर्स के दरमियान मेहरबानी करके वो हर पॉलिटिकल पार्टी के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनसे पूछ लें कि भाई तुम्हारी पार्टी का मैनिफेस्टो में एजुकेशन के बारे में क्या था, हेल्थ के बारे में क्या था, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में क्या था। मैं आई एम नॉट गोइंग टू से कि कितने नंबर्स, बट दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग, बिकॉज मेरे अपने ज़ाती ख्याल में मेरे आई कुड बी रॉन्ग है, मेरे जो पंजाब असेंबली के कॉलीग थे या अभी जो मेरे सेनेट में मेरे कॉलीग्स हैं, अगर मैं उनसे ये बात डिस्कस करता हूँ कभी किसी से पूछ लो कि तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी का इन चीज़ों के ऊपर क्या इलेक्शन मैनिफेस्टो था, वो था नो वन हैज़ एवर कम अप विद एन आंसर। मेरा तजर्बा ये है सिफर। अगर मुझे एक बंदे ने भी बताया होता ना कि उसको पता है कि उसकी पार्टी का एजुकेशन के बारे में उसके मैनिफेस्टो में क्या कहता है, तो मैं आपको ज़रूर बताता कि ये है। मेरा तजर्बा नेशनल असेंबली में शायद मुख्तलिफ़ स्टैटिस्टिक्स या जिन लोगों से शायद मेरा इंटरेक्शन होता है वो शायद इतने ज़्यादा पार्टी मैनिफेस्टो के अंदर इंटरेस्ट नहीं होते, लेकिन मैं ये इसलिए कि ये सारी बातें मुझे कहते हुए कुछ शर्मिंदगी सी भी महसूस हो रही है, बट दीज आर रियलिटीज़। अच्छा, और जब हम रियलिटीज़ को साथ लेके नहीं चलते तो फिर हमारी जो भी बातें होती हैं वो हवाई बातें होती हैं। ये बातें बहुत अच्छी हैं, हमें ये सारी चीज़ें ये अचीव करनी चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर वो हो नहीं रही। हमें ग्राउंड रियलिटीज़, अगर मैं ये सारी एकेडमिक बातें करूँ और ये सारी करूँ और मैं इलेक्शन ना जीतूँ और घर बैठा हूँ, तो ये सारी मेरी जो सोच है, सारी मेरी जो तब्दील करने की जो कोशिश होगी, जो बेहतरी लाने की मेरी नीयत होगी, वो नीयत भी शायद भर नहीं आएगी। मैं किसी के नाम लेना मुनासिब नहीं है, अगर आप देखें हमारे जो मेंबरान इलेक्ट होके आते हैं उनमें से कितने मेंबरान हमारे हैं जो कि इन चीज़ों को गौर करेंगे और पढ़ेंगे और सोचेंगे कि इसको आगे हमने कैसे ले कर चलना है। एहसन इकबाल साहब इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू पीपल जो इन चीज़ों को गौर करेंगे और सोचेंगे। बाकी मैं चलो खुद भी अपने आप को सुन, हम लोग तो फाइलें उठा के फिर रहे होंगे कि मिनिस्टर साहब ये फलाने गांव की सुई गैस मेहरबानी करके सेंक्शन करवा दें, मिनिस्टर साहब ये बच्चा है जी इसको ज़रा तरक्याती बैंक में भर्ती करवा दें, इसने MBA कर लिया मेरे गाँव का। सो दैट इज़ वॉट वी रनिंग अराउंड मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑल दीज थिंग्स विल बी इन ग्रेट डिमांड एंड इन विल बी वैल्यूएबल व्हेन दे ट्रांसलेट इनटू वोट्स फॉर आर पीपल। आई एम पार्ट ऑफ द फाइनेंस कमिटी ऑफ द सेनेट, वी मेक दीज पॉलिसीज और इसके बाद वहाँ पे डिस्कशन होती है। थोड़ी देर पहले भी मैं ये अर्ज कर रहा था, हमने इस दफ़ा एक वो नया टैक्स लगाया था रेवेन्यू जनरेट करना, मुल्क को चलाने के लिए आखिर रेवेन्यू चाहिए। रियल इस्टेट मार्केट के अंदर जो ट्रांजेक्शन होती हैं उनको फेयर वैल्यू के ऊपर टैक्सेशन हो, DC रेट्स की बजाय वो मार्केट वैल्यू के साथ उनकी वैल्यूएशन हो। एंड फ्रॉम व्हाट आई हेयर द गवर्नमेंट अगेन इज़ इन नेगोशिएशंस विद द प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन, क्योंकि वो नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा। गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगाया था बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, अगर आपको याद हो, मतलब हमारी फाइनेंस कमेटी में बात की गई कि ये शायद विल नॉट बी प्रैक्टिकल। पिछले साल किया था, पूरे साल में उसको नहीं इम्प्लीमेंट कर सके। सो इस किस्म की जो चीज़ें हैं, फिर मैं मिसाल आपको ये दे रहा हूँ कि वो भी शायद CBR के कंफर्टेबल ऑफिसेज में सोफ़ाज पे बैठ के ये डिसीजंस हुई,
ओवर मे बी वेरी नाइस कप ऑफ कॉफ़ी कि इस मामले को ऐसे हमने हैंडल करना है विदाउट गेटिंग इन टच विद ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं जिनके ऊपर आपने उस कानून को लागू करना है उनकी ज़हनियत क्या है उनकी सोच क्या है उनको किस तरह हैंडल करना है। हर ताले की एक चाबी नहीं होती, हर तरह के लोगों से आप एक तरह से नहीं डील कर सकते, और जिस वक्त रियासत ऐसी चीज़ें करती है और फिर एक कदम पीछे लेती है तो उससे रिट ऑफ द स्टेट जो है वो इफेक्ट होती है और उससे फिर और मसाइल पैदा होते हैं। क्राइम की ये बहुत अच्छी एक एफर्ट है और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि क्राइम वाले और अली सलमान हमें दिखा रहे हैं चेहरा कि ये तुम लोगों ने कमिटमेंट की थी और ये तुम्हारे अमल हैं। लेकिन मेहरबानी करके मेरी गुजारिश होगी आपसे कि हमारी भी जो हम पॉलिटिशियंस जो कि हर जगह सबसे ईजीस्ट टारगेट होते हैं सब लोगों का, हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, हमें भी ड्राइव करते हैं वो लोग जो कि लोग ही हैं, मतलब हमारे वोटर्स ही हैं, हमारे इलाके के लोग ही हैं। तो अगर हम कोई काम किसी तरीके से सही नहीं कर पा रहे तो हमारे भी प्रेशर्स होते हैं, हमारे ऊपर भी दबाव होते हैं जिनको हम हमें हैंडल करना होता है। तो इट्स अ वेरी गुड एफर्ट बाय प्राइम, आई अप्रिशिएट इट, और होपफुली हमारी जो मजबूरियां हैं उनको भी आप लोग समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।